मैं नीचे से लेके आया हूँ ये अदरक और ये लहसुन, ये हमें अपने स्नो को भी खिलाना है और इन चूज़ों को भी खिलाना है। आप सबको पता ही होगा, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था, जो वायरस हमारे ईगल और वल्चर को लगा था वो हमारे स्नो को भी लग चुका है। ये भी रात अपने गले में से खर खर आवाज़ें निकाल रहा था, इसको मैंने सिरप पिलाया बुखार का, जो दवाई मैं वल्चर और ईगल को दे रहा था वो भी दी, और लौंग और काली मिर्च भी खिलाई, लेकिन मैं से ये लहसुन और अदरक खिलाऊंगा जिससे इसके तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी अपने गले में से आवाज़ें नहीं निकाल रहा, बस ये और खा ले फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यार देखिए उन दोनों के बिना छत कितनी अजीब सी लग रही है, रैबिट हैं, कबूतर घूम रहे हैं और स्नो है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता स्नो कुछ हो, और स्नो को कुछ हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। और चूज़े भी यार हमारे ऐसे ही हैं, कल ये बारिश में भीग गए थे, सबको मैंने अच्छे से सुखाया था, पर ये चार तो खैर बिल्कुल ठीक हैं, पर एक हमारे ये बड़ा वाला और ये जो कोने बैठा, ये दोनों सोचते हैं इनको सर्दी लग गई है, इनको दवाई पिला दी, बुखार का सिरप पिला दिया, बस इनको भी ये लहसुन खिलाना, इससे ही इनकी ठंड बिल्कुल टूट जाएगी, तो जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। वाले चूज़े को तो मैंने लहसुन खिला दिया, अभी जल्दी से दूसरे को भी खिला देता हूँ। और यार इसका वज़न इतना कम हो गया है, और उस वाले का भी मेरे ख्याल से कम हो गया होगा वज़न। सब मुर्गियों में, मुर्गों में हमारी बीमारी आ गई है यार, ये मौसम एकदम चेंज हुआ है, सबको सर्दी लग गई है। उनको मैंने लहसुन अदरक खिला दिया है और इन दो चूज़ों को भी मैंने लहसुन अदरक खिला दिया है, इंशाल्लाह यार ये ठीक हो जाएंगे। और स्नो तो हमारा ठीक हो चुका है, बस थोड़ा उसको और ठीक होना है तो अच्छी बात है, बाकी हमारे चूज़े भी यार ठीक हो जाएँ, क्योंकि छः चूज़े हैं, सब पे चू चू करते हैं, शोर मचाते हैं तो अच्छा लगता है, तो इनमें से किसी बार कुछ ना हो, सब बिल्कुल ठीक रहें, सब बड़े बड़े हो जाएं। और ये वाली कबूतर भी मुझे थोड़ी सुस्त लग रही थी, मुझे ऐसा लगा इसको ठंड लगी, तो मैंने इसको भी लहसुन खिला दिया है। वैसे यार ये मौसम बहुत अच्छा लगता है, कबूतर भी ठीक रहते हैं, इनको भी गर्मी नहीं लगती, खरगोश भी हर वक्त बाहर रहते हैं, स्नो को भी अच्छा लगता था, उन दोनों को भी अच्छा लगता था, और चूज़े भी हमारे अच्छे लगते, इनको भी अच्छा लगता था, क्योंकि इनको मैं दो बार खोल देता था, लेकिन जब धूप होती थी तो मैं इनको खाली शाम में खोलता था, क्योंकि इतनी धूप होती थी मुझसे भी नहीं रुका जाता था, इसलिए मैं इनको खाली शाम में खोलता था। पर ये मौसम अजीब से ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज हुआ हमारे चूज़े भी बीमार हो गए, और वो दोनों भी बीमार हो गए, वो दोनों तो चले ही गए, और उसने भी अब थोड़ा थोड़ा बीमार है, मेल को उड़ाया था अभी भी, अब इस साइड कहीं चले गया है, खैर अपनी मर्जी से आएगा, कहीं बैठ उठ गया होगा। और मैं आपको अब ज़रा एक गुड न्यूज़ दिखा दूँ, इतने टाइम से हमारे घर में मतलब छत पर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, पर आज कुछ हो गया, जब मैंने कबूतर खोले तो मैंने देखा अंडा का छिकल पड़ा है, पिछले हमारी फीमेल ने एक ही अंडे दिया था तो एक ही बच्चा निकाल था, पहले भाई ने दो अंडे दिए तो जाहिर सी बात है दो बच्चे निकालेगी, इसने आज अपना एक बच्चा निकाल दिया, और कल परसों को अपना दूसरा बच्चा भी निकालेगी। मैंने सुबह देखा इतना छोटा था, इतना प्यारा बच्चा था, बचपन में ये भी आता था, पर अब ये बड़ा हो गया और वो भी बिल्कुल छोटा था, तो अभी फीमेल बैठी है, एक अंडा आपको दिख रहा होगा, बाकी एक अंडे में से बच्चा निकला, ये देखिए छिकल पड़ा है, तो जब ये हट जाएगी, मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जब ये हट जाएगी अपने बच्चे पर दाना वाना खाने बाहर आएगी तब मैं आपको दिखाऊँगा इसको। तो ठीक हो रहा है, उसकी थोड़ी बहुत तबीयत और ख़राब है, पर इन दोनों की ज़्यादा ही हो गई है, ये वाला कम है और ये वाला कुछ ज़्यादा ही है, दोनों ना ही कुछ खाया है, बस पानी इनके पेट में, बस वही लहसुन और अदरक मैंने इनको खिलाया था, और चावल मैंने इनको दिए थे, इन्होंने थोड़े से खा लिए, तो देखिए बिल्कुल आँखें बंद कर रहे हैं यार, उम्मीद है यार ये बच जाएंगे, वैसे इनके लग तो नहीं रहा यार ये बचेंगे, देखिए यार बारिश हुई तो इसका वज़न भी इतना कम हो गया है। अभी मैंने फैसला करा कि मैं इसको उड़ा दूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर ठीक से दाना खा रहा है, और ये बड़ा भी हो गया, यहाँ पर खुश भी रहता है, ऐसे उदास रहता है, तो ये बाहर जाके खुद दाना ढूंढेगा, खुद से खाएगा, वैसे ये सीख जाएगा, आस पास बहुत जंगली कबूतर हैं, उनके साथ रहेगा और सीख जाएगा। तो ये रहे हमारे बर्ड्स, सबके सब बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी फिंचेस भी बिल्कुल ठीक हैं, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा, जिन जिन ने देखी हमारी फिंचेस ने शॉर्ट वीडियो में एक अंडा दे दिया था, पर अब हमारी फिंचेस ने तीसरा अंडा भी दे दिया अपना, इसने तीन अंडे दिए, वैसे ये तीन अंडे हर बार देती है पर दो बच्चे निकालती है, देखते हैं क्या इस बार तीन बच्चे निकाल लें, इस बार इसको बिल्कुल प्राइवेसी मिलेगी, उम्मीद है अगर इसके तीन बच्चे मिल गएंगे तीन बच्चों को अच्छे से पालेगी, तो आपको ज़रा दिखा देता हूँ एक बार। वैसे आपने शॉर्ट वीडियो में एक अंडा देखा होगा, पर ये बैठ हुई है, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, तो इसके मैंने तीन अंडे मैंने आपको बता दिए, कभी ये मुझे उठ हुए दिखेगी तो आपको दिखा दूँगा, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा ना, बच्चे जब निकल जाएंगे तब भी मैं आपको एक ही बार दिखाऊंगा, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करो इनसे आपको पता ही है कितने नखरे दिखा देंगे। एक मिनट पहले आपने देखा होगा ये वाला चूज़ा अपनी आखिरी सांस से ले रहा था, और अभी मैं यहीं पर अपने कबूतर के पास ही खड़ा था, जैसे मैं इनके पास आया दोबारा तो मैंने देखा ये वाले ने दम तोड़ दिया अपना, ये वाला कुछ ज़्यादा ही मतलब इसको ज़्यादा बीमार था ना ये, और एक मिनट पहले तक बिल्कुल ठीक था, एक मिनट के अंदर अंदर इसने अपना दम तोड़ दिया, बेचारा ये मर गया इतने टाइम से। यार ये भी हमारे पास जितने छोटे छोटे थे अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, तो ये दोनों सबसे ज़्यादा बड़े थे इनमें से एक, यार ये देखिए ये वाला चले गया, और ये दोनों सबसे बड़े थे, मुझे ऐसा लगा था ये छोटा वाला जो ऑरेंज वाला ये बीमार होगा, पर छोटे वाले को छोड़ के बड़े वाले बीमार हुए जो इतने हेल्दी थे, और ये वाला मर गया, और मुझे ऐसा लग रहा थोड़ी देर में यार ये भी यार इसकी भी जान निकल रही है, थोड़ी देर में ये भी मर जाएगा। तो ये चार चूज़े हमारे बचे, ये स्नो बचा वो दो मर गई, और ये चूज़े चार बचे हमारे पास, यार सब चीज़ें मरी जा रही हैं, कोई चीज़ बची नहीं रही यार, गुड न्यूज़ आई नहीं रही हमारे पास, पता नहीं यार क्या हो रहा है। अब ये भी बेचारा थोड़ी देर तक का हमारे पास ही है, मैंने उनको अच्छे से दवाई भी पिलाई, लहसुन सब खिलाया, पर उनकी ज़िंदगी यहीं तक थी। अगर मुझे पता होता बारिश इतनी तेज़ होगी मैं इनका पिंजरा पहले ही अंदर रख देता, जिससे भीगते ही नहीं और ये बीमारी नहीं होते। खैर अब इस वाले को दफनाए जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद यार ये भी मर जाएगा।
ये भी बस मरता जा रहा है, ये देखिए थोड़ी सी बस के अंदर जान रह गई है। अभी इसको आखिरी वाला लेसन और खिलाया था पर नहीं बच पा रहा ये। ये देखिए यार इसकी बस जान निकलती आ रही है, खड़ा तक नहीं हो पा रहा। ये देखिए खड़ा करा इसको मैंने, अब थोड़ा फिर लेट जाएगा। अभी अभी ऐसा लग रहा था ये नहीं बचा है, पर इसको जब हाथ लगाया तो ये जिंदा है। पर अभी बस थोड़ी देर तक और रह गया है, ये भी मरने वाला है। पता नहीं आ रही क्या हो रहा है, छत पर कुछ बच ही नहीं रहा, हमारी सब चीज़ें मरती जा रही हैं। पहले वो दोनों बड़ी मुर्गियाँ मरी, अब हमारी ये चूजे मर रहे हैं सब। अब वो चार चूजे, उनमें से एक चूजा थोड़ा बीमार है, वो भी थोड़ा थोड़ा सुस्ती आ रहा है। यार क्या हो रहा है, ये भी मर गया है जैसे इसका भाई मरा था। धीरे धीरे करके उसने दम तोड़ दिया था, ये भी मर चुका है। ये देखिए यार इतने बड़े बड़े हमारे दो चूजे मर गए। कल यार जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी ना, मैं दाना लेने चल गया, मुझे इतनी तेज़ नहीं होगी, इनके पिंजरे के ऊपर चादर भी थी, मुझे लगा इतनी तो खैर तेज़ नहीं होगी कि ये इतना भीग जाएँ। और मैं बाइक से था, मैं सोचा मैं एक मिनट में जाकर ले आऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं आधी रास्ते पहुँचे इतनी तेज़ बारिश हुई, मैंने तुरंत बाइक मोड़ी और मैं इनके जब पास जब तक आया इतने भीग गए थे। मैंने तुरंत इनको ड्रायर से सुखाया, अपने कल वाली वीडियो में देखे होगा, इनको ड्रायर से सुखाया, इनको रात में दवाई भी दी, पर दो चूजे बीमार हो गए। चार तो ठीक हैं और दो चूजे हमारे आज जा चुके हैं हमें छोड़ के। पहले हमारे दो बड़े बड़े गए स्नो के, दो पार्टनर स्नो पता नहीं कहीं कहीं होगा वो रहा, स्नो के पार्टनर गए इतने बड़े बड़े। फिर दो ये चूजे, ये छोटे छोटे इतने अच्छे लगते थे, छत पर से टहल देते, चू चू करते थे, इनकी गैंग थी, इतने मज़े से आइए टहलते थे, छः इतने ज़्यादा लगते थे। जब हम 20 से तो और अच्छा लगता था, पर वो भी चले गए थे किसी वजह से, सब मर गए थे। और अब जब हमारे पास ये छाए तो इतना अच्छा लगता था, उनकी कमी महसूस ही नहीं होती थी। पर अब जब ये दो गए तो ऐसा लग रहा है यार कितने चूजे हमारे पास से कम हो गए, इन दोनों इनकी इसने स्नो के दो मेंबर जाने से और इस गैंग के दो मेंबर जाने से इतनी कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है छत पर कुछ है ही नहीं। मैंने आपसे कहा था ना ये भी थोड़ा थोड़ा बीमार है, ये देखिए, पर ये इतना बीमार नहीं जितने ये दोनों थे। इसको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले, जब मुझे थोड़ी देर थोड़ा सा बीमार लगा तो मैंने इसको लहसुन खिला दिया था। अभी मैं इसको दवाई खिलाऊंगा मेडिकल से लेके आके, फिर इंशाल्लाह यार ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सबको इसके लिए दुआ करनी है कि ये बच जाए, अगर इसको भी कुछ हो गया तीन चूजे बचेंगे। वैसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं लगा रहा कि इसको कुछ हो, मैं पूरी उम्मीद लगा रहा हूँ ये बचेगा। कम से कम चार चूजे हमारे पास हों, एक स्नो रहा है, ये रैबिट्स हैं, ये कबूतर रहे हैं, बाकी हम फिर से और चीज़ें ले आएंगे। इसका बहुत अच्छे से मैं ध्यान रखूँगा, उनका मैं कुछ होने नहीं दूंगा उनको, मतलब कुछ होना होगा तो होगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी कोई भी चीज़ ना मरे। टाइम आ गया, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे ही दूँ कि मैं आपको अपने कबूतर का अच्छा दिखा दूँ। जब वो निकला था मैंने आपको दिखाया नहीं था क्योंकि फीमेल बैठी हुई थी, पर अब फीमेल को मैं उठा रहा हूँ क्योंकि वो उठ नहीं रही और वैसे भी मगर पर होने वाला, तो इसको उठाता हूँ आपको दिखा देता हूँ। एक गुड न्यूज़ तो आप इस वीडियो में देख लें, बाकी कुछ दिन में इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें दोस्तों, ये रहा हमारे कबूतर का बच्चा, माशाल्लाह देखिए कितना छोटा है, ये भी ऐसी था पर अब ये बड़ा हो गया, इतना क्यूट नहीं लगता जितना ये लग रहा है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। दूसरा अंडा भी ये देखिए इसके नीचे रखा है, इंशाल्लाह रात तक या कल रात तक इस अंडे में से भी बच्चा निकल आएगा। और देखिए माशाल्लाह कितना बच्चा प्यारा है हमारे पास, अगर ये बच्चा भी निकल आता और ये दोनों बच्चे अच्छे से पल जाते हमारे पास, सात कबूतर हो जाएंगे। कबूतर तो हमारे ठीक से पल रहे हैं, कबूतरों में गुड न्यूज़ आ रही है, सही से रह रहे हैं। और पहले कबूतरों में बहुत दिक्कत आती है, कभी भाग जाता था, कभी मर जाते, लेकिन अब ठीक रह रहे हैं हमारे कबूतर। देखिए यार इसकी आँखें खुलूंगी, इसको इतना अजीब लग रहा है, पकड़ को बंद कर दिया इनको, छोटे पिंजरे में बंद करा है क्योंकि अब ये इतने कम से लगते हैं ना, तो बड़े पिंजरे में बनने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक तो इनको ठंड इसमें ज़्यादा लगी है बड़े पिंजरे में, छोटे पिंजरे में ये ठीक रहेंगे। देखिए दो की कमी अभी भी महसूस हो रही है। स्नो को मैंने फिर से इसमें बंद करना शुरू कर दिया, जब हम स्नो को लेके आए थे इसी में बंद कर देते, जब वो दो आ गए तो हमने पेटीएम बंद करना शुरू कर दिया, पर उसमें मैं इसलिए बंद नहीं करा क्योंकि इसमें वायरस है, तो इसमें हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें वायरस ना लगे। उसकी जब मैं अच्छे से सफाई कर दूँगा तभी उसमें फिर से बंद करेंगे। और खरगोशों को इसमें बंद कर दिया, कबूतर भी बंद कर दिए। बस ये था दोस्तों मेरा, आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।